नीले। अरे दुल्हन कहाँ पड़ी हो, लौकत नहीं की? माई हम तो सोच ले रहे हैं कि आज भौजी के हाथ का खाना खाए के मिली। अच्छा नया नया दुल्हन आई बिया, अब वही ओकरा के चूल्हाड़ी में घुसा दी। खा तू लोग, हम ओकरा के खाना खिया क्या होता नहीं। दुल्हन आप किससे पूछ के अंदर आई? क्या आपको पता नहीं है कि किसी के भी कमरे में अंदर आने से पहले नॉक करके आना चाहिए? कहा करके आओ चाहिए दुल्हन? नॉक करके मतलब दरवाजा खटखटा के। माफ करा दुल्हन, रोज आवे जाए का आदत रहल, यही से ना बुझेल। आगे से दरवाजा खटखटा के आई। खाना रख दीजिए, खा लूंगी। बहू ये क्या बदतमीजी है, और ये खाना कहाँ फेंक दे लू? ये कोई खाना है? ऐसे खाने तो हमारे घर के कुत्ते भी नहीं खाते। भाऊजी हमने यहाँ खाना इंसान खाती बनेला, अगर तोहरा कुकुर वाला खाना पसंद बा ना तो काल से खाना कुकुरे वाला बनी, का दिक्कत बा? किशन जवान संभाल के बात कर। देखा दुल्हन अन्न का अपमान ना कही जाला बिटिया, तोरा के खाना पसंद नहीं है तब काली से तोरा पसंद का खाना बना दे उल करब। कौनो जरूरत नहीं है अलग से खाना बनावे के, जेकरा के ई खाना पसंद नहीं है वो अपन खाना खुद बना ली। चाय बना तईबे ना करेला तो खाना कहां से बनी? देखो जुबान संभाल के बात करो, मैं इस घर में इसलिए नहीं आई हूं कि मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाऊं, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूं। तोहर कहे के मतलब का बा भौजी? माई हमने खातिर खाना बनावे ले ते का हमनी का नौकरानी हो गई? वो तुम्हारी क्या है ये तुम ही जानो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। भौजी तोहरा का हमनी के बियाह के लिए आइल बनी, हमनी के भौजी कहले से औरी ले बेटी कहला, और जब तक ले रिश्ता बा तब तक ले पूरा लेना देना बा। तुम तो मुझसे बात ही मत करो, मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तू देखा चाहे मत देखा हमरा पर कोनो विशेष फर्क पड़े वाला नहीं के, लेकिन एगो बात कान खोल के सुन ला, तू ये घर के बहू हो और बहू जैसन रहे के परी। ओ तो तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे रहना है? सब सीखे के परी, केकरा से कैसन बात कइल जाला और कैसन व्यवहार कइल जाला। भौजी हमें घर के मर्यादा के नहीं की भुलाई, न तो हाथ उठावे हमरो आवेला। किशन ये सब का होता? राम अच्छा हुआ कि तुम आ गए और तुमने सब अपनी आंखों से देख लिया। देखा तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे घर वाले मुझसे कैसा कैसा बर्ताव करते हैं। हे बिटिया बिटिया बात सुना, बात क्या के मत बढ़ावा, ऐसा छोट मोट बात था हर घर में होता रहला। ये छोटी मोटी बात है, सिर्फ थप्पड़ मारना ही तो रह गया था, बाकी सब कुछ तो कर ही चुके थे आप लोग। देख किशन ते सच सच बताओ क्या कह ली सबने भौजाई के साथ? हमसे का पूछा था, इनका से पूछा? अरे एकरा से का पूछी, एकरा तो एक दिन भी ना बोली घर में आईला, और देख तोरा के हम अच्छा तरह से जानता नहीं, तेही कुछ कह लोगे। वाह भैया वाह, एक दिन में तू भौजी के तरफदारी करे लगला, हमने के इतना दिन के प्यार पर भौजी के एक दिन के प्यार भारी पड़ गई। राम बिना जानले सुनले तोहर हिम्मत कैसे भइल अपन छोटे भाई के ऊपर हाथ उठावे के? ये काम तो तोहरा करे के चाहिए बाबूजी, ये इतना देर से अपना भौजाई के साथ बदतमीजी करता, आज तू लोग बैठ कर तमाशा देखा तारा। अरे तमाशा के करता ये छोड़, ये तमाशा कहे होता ये हम अच्छा से जानता नहीं। बेटा तोरा ये घर छोड़ के जाए के बाना तो जा, बाकी जाए के बहाना मत खोजा। अरे कैसन बात करता नहीं राम के बाबूजी? तू चुप कर, तोहार बेइज्जती कैले सिया तो हम चुप रहनी है, अपना दोनों देवर के बेइज्जती कैले सिया तो हम चुप रहनी है, ये हमार बेइज्जती कैला सिया तो भी हम चुप रहनी है। अरे बिना गलती के अपन छोट भाई के ऊपर हाथ उठा ले ये हम बर्दाश्त नहीं की कर सकत। बेटा तोरा रात के बात याद बानू कि तू हमरा से काब बोलला कि तोहार ससुर तोहरा के घर जमाई बनावल चाहता रहे, तो हम तोहरा से का पूछनी, तू का जवाब देला तो तू कहला कि बाबूजी से पूछ के बताए। अरे हमरा के तो तभी पता चल गई कि तोहार मन में खोट बा, ना तो तोरा बाबूजी के आड़ के जरूरत ना पड़ी, अरे तू तो खुद सीधा जवाब दे सकत रहला। अरे ठीक बा तोहरा जाए के बाना प्रेम से जा, पर हमारे एक बात याद रखिया, घर जमाई की हालत धोबी के कुत्ता से भी बदतर होला। अब तो इन्होंने तुम्हें कुत्ता भी कह दिया, फिर भी तुम यहाँ खड़े हो, न जाने कैसे मर्द हो। पायल
दुल्हन पायल जब से आन भाईल घरे आइल मेहरी के बूझे लागल लखिया के पुतरी राम मेहंदी मावर के छूटल नाही रंग हो घरे में पतोहिया मचावे लागल जंग हो बेटा करे जन भुलई हा ए भाई माई बाप के जन भुलई हा ए भाई माई बाप के बाबूजी तोर माई कहुआ बाड़ी रे बाबूजी चल हट कलावती कहा रे सोना जवहर भाई तोरा के अपना कोख से जन्म देलस वही के घर के नौकरानी बना देले बाबूजी तू हमरा के गलत समझाता रहा हम तो तोहर पोती के देखभाल करे खातिर माई के बोलोले रहनी बाबूजी चुप रह और तू हमरा के सिखाइबे तोर माई तीन तीन लड़का के जन्म देके अकेला पाल पोस के सियान कैली अरे कबू बुलावली अपना माई के और ते एगो लड़की पैदा करके गांव से अपन माई के बुला के नौकरानी बना दे अरे लड़का पाले पोसे के बेवत नहीं के तो पैदा कहां कर ले रे बाबूजी मर गए ले तोर बाबूजी चल जा अपन माई के सामान लेके आ बाबूजी हमार बात तो सुन ली ए चल तोर सामान कहां बा चल चल बाबूजी अपन पोती के तो देख ली चल हट रे बाप कौन बेटा और के कर पोती बेटा होला मूल धन बोता पोत ब्याज हो हर मजबूरी सब छूटत बाटे आज हो एक बेर जे अपना माई बाप के भुलाइबा धरती त धरती नरक में ना जगह पाइबा जन्मो जन्म नहीं माफी मिली आपके जन्मो जन्म नहीं माफी मिली आपके जन भुलई हो ए भाई माई बाप के जन भुलई हो ए भाई माई बाप के निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा Thank you.
रुक जा लो। अपना बाप की जिंदगी भर का कमाई तो ले लेला, अब का ले आई बड़ा लोग। ये घर का सुख शांति और मान मर्यादा कुल तो पहलवे बेच के खा गए बड़ा लोग, हबका बेचे आई बड़ा। कहीं तू लोग हमनी पर तरस खा के तो नहीं खेन आई? तो एक बात कान खोल के सुन ला, हम अपना छोटा सा परिवार में बहुत खुश बानी। यू हो सकता कि तू लोग अपना गलती पर पछता के ये घर में वापस रहे खातिर आए लोकबा, फिर से झगड़ा करे खातिर आए लोकबा, अपना बाबूजी के दुख देके फिर से ये घर से वापस जाए खातिर आए लोकबा। तो जा, जो ने गाड़ी में बैठ के आए बड़ा लोग जा, वही गाड़ी में बैठ के यहां से चल जा। दीदी रहुआ लोग अंदर चली ना, हम हाथ जोड़ता नहीं, चली ना। शायद रहुआ लोग माजी के बात से डराता नहीं, माजी रहुआ लोग से नाराज नहीं की, अरे वो तो अपना बेटा लोग से नाराज बानी, वहां लोग के अंदर आवे से मना कहले बानी, रहुआ लोग के ना। अरे रहुआ लोग तो ये घर के बहु बानी, रहुआ लोग के पूरा अधिकार बा ये घर पर, रहुआ लोग के रोक सकता ये घर में अंदर आवे से। चली ना दीदी, आई ना, चली लोग दी हमरा के, ए बेटा आवा आवा हमरा लगे, आवा बेटा आवा, चली ना दीदी आई। आपका तोहरा लोग इनके हाथ गोड़ जोड़ी तबे भीतर जाई बा। बाबूजी हमने के माफ कर दी, बाबूजी बाबूजी हमने के माफ कर दी, बाबूजी हमने के एहसास हो गए कि माँ बाप के चरण में ही दुनिया के हर धाम और स्वर्ग बा। हाँ बाबूजी हमने के बुझा गए कि अपना परिवार से बढ़ के दुनिया में कोनो सुख ना होला। बाबूजी हमने के माफ कर दी, बाबूजी माफ कर दी। अरे किशन के माई पूजा पाठ के तैयारी करा, हम लेकिन खातिर पढ़ा कर लेके आवता नहीं। काम आई लाउड स्पीकर में चिल्लाई कब तोरा सुनाई? छोटकी के चाय देवे गल रहनी। मम्मी आपका ई घर में एक कप बढ़िया चाय भी ना मिली, सवेरे सवेरे मूड खराब हो गई। देख ले तुरे से वो काम ढंग से नहीं किया होत, हम फिर से बना देता नहीं। कौन जरूरत देखे, जिसे ते मनहूस उसे तो काम मनहूस। इले अच्छा तो हम घर में नौकर रख लेती, माय तो मर गई बाकी छोड़ गई बीपत हमर कलेजा डाले खाती। हर हर महादेव जजमान जी। प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रही। हमरे के खोई बे तबे जेबे का, जो पंडित जी खाती पानी लेके आओ। ठीक बमाई। आए पंडित जी। हाँ। बैठी और बताई, हमारे स्टैंडर्ड लाइक आपके कोनो रिश्ता नजर में आई? देखी जोड़ी तो भगवान बनावे ले, आई मंगल पंडित दूगो परिवार के मिलावे ले, दोनों बचियन के फोटो आज दी अकाले सगुन के डेट ली। देखी पंडित जी बड़की खाती तो भिखारी भी चली, बाकी हमार स्वीटी खातिर हमरा राजकुमार ही चाहिए। आहा वाह का उत्तम विचार बा, बहुत उत्तम बा। मनहूस
पंडित जी हाय दोनों के फोटो है। अच्छा वाह वाह अति सुंदर। देखी तेज बाबू यह दोनों बहिनन के फोटो हा। लड़की तो दोनों सुंदर बड़ी सब। हर हर महादेव। ला तो हूं देखा का कहता रू। हाँ जी फोटो तो बहुत सुंदर बा। तकाल है ओने के जतरो बा चल के लड़की देख ली। हाँ हाँ काहे ना काल है चल जा। हाँ हाँ शुभ काम में देरी ना करे के चाहिए। तेज आई माजी बैठी। पंडे जी अबहियो एक घर के मलिकाइन हमी होई आ जब तक हम फैसला ना करब नु तब तक कुछो फाइनल ना होई हम बता देतन। अरे ना ना मतवा जब आप फाइनल करब तबे ब्याह होई। हां ली मां जी फोटो देखी। कारे ई खाली कागजवा पकड़ा दलबरसन का एमे तो कुछ लो कते नहीं थे। दादी पहले जस्मो तो लगा ली। अरे हां रे का कही हां त माई। हां बाबू का फैसला बा। फोटो तो बहुत सुनर बा। बहुत सुनर बा। हमार तो फाइनल फैसला बा। बाकी हमरा तरफ से फाइनल नहीं खे। और ना नुकुर नहीं खे करे के नहीं तो बकुली देखा तारे नू यही से इतना मार मार अब बता देता नहीं हो। अरे माजी तो ऐसे ही बोला था नहीं लड़की तो सबके पसंद दिया। तो कल है चल के लड़की देखे के प्रोग्राम बना ली हल जाए। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। कल है चल के देख ली हल जा। पंडित जी इके हो यह ही है बड़की बेटी ना। जियत रहा बिटिया खुश रहा। पंडित जी ई के हम इहे के ना दोनों बेटिया है रोवा जानता नहीं का इनके हम कैसे भुलाए। इनके ता हमरा पे बहुत एहसान बा। अरे पंडित जी आई 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 बैठी। यहाँ के हैं तेज बाबू। प्रणाम। प्रणाम। जिला के नामी ठेकेदार मान सम्मान धन दौलत में बराबर के पलड़ा एक परिवार बा टाटा तो दोसर परिवार बा बिड़ला। हर हर महादेव। आदू परिवार के मेल तो भगवाने के खेल से होला। अब तो हम कहता नहीं कि देर ना करी और जल्दी से मंगलम भगवान विष्णु कर डाली। इतना जल्दबाजी ना पंडित जी यहाँ के हमारे शानो शौकत तो देखिए लेनी दोनों बेटियनों के देख ली। ओकर कौनो जरूरत नहीं खे। रुआ बेटी के मापन बेटी ना समझ ली। रुआ इज्जत के मापन इज्जत ना समझ ली। तो हमारा रिश्तेदार बने के कौनो हक नहीं खे। हाई ला ये हमारा तरफ से दोनों बेटीन के आशीर्वाद हो। प्रणाम करतानी हुजूर। सरकारी बाबू यहाँ के तेज बाबू हमार होखे वाला समधी। समधि गणित तो बहुत अच्छा लगौली। बेटी का मालिक बेटा और खेती का मालिक बाप। और हुजूर के का मिली के सरकारी बाबू का बरबरातनी। अरे बरबरात नहीं की हुजूर इनकर असलियत बता बतानी। अरे बड़का हुजूर के ऑफिस में ये गो मामूली खजांची रहल और बड़का हुजूर के दीहल
15,000 के भीख से खजांची से ठेकेदार बन गई। अब राउर समय इतना पातर हो गई बा कि राउर बेटी एक नौकर के घरे का बहुरिया बनी। अरे इतना बड़ खानदान पर एक नौकर के एहसान। सरकारी आप औकात में रह के बात करा। ए, तू औकात में रह, भले जूता में चाहे कतनो हीरा जड़ा रहे, ओकर जगह पैर में ही होला। कपार पे ना माई ले दो चाय। नौकर के औकात जमीन पर बैठ के जुठन चाटे के हो खेला, ना कि सोफा पे बैठ के चाय पिए के। तारा देवी इतना घमंड ठीक नहीं खे, कहे से कि घमंड भगवान के ग्रास होला और फिर इतिहास गवाह बा कि घमंड करे वालन के घमंड जरूर टूटेला और तोहरो घमंड जरूर टूटी। के तुरी हमार घमंड जाई।